हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग कैसे हो? और आज तारीख है गाइस 1 अक्टूबर 2020। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल्टर्स के बारे में गाइस। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं गाइस। कि सबसे पहला टॉपिक है गाइस कि मोल्टर्स हमें मिलेगी कैसे, हाउ वी गेट मोल्टर्स। द सेकेंड टॉपिक इज व्हाट आर द बेस्ट इनकाउंटर्स, मतलब आपको बताऊंगा कि वो किस किस पोकेमोन्स के सामने वीक है, किन के सामने स्ट्रांग है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तीसरे में हम बात करेंगे गाइस कि कौन सी लीग के लिए ये मोल्टर्स बना हुआ है गाइस, ठीक है। चौथा पॉइंट हम बात करेंगे गाइस कि अगर मोल्टर्स आपके पास है तो हम उसको कैसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे उसको और पावरफुल कर सकते हैं, कैसे उसको मतलब मतलब सन्नी देवल कैसे बनाएंगे उसको, और उसके बेस्ट मूव सेट्स क्या होंगे गाइस। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो भाई लोगों, सबसे पहले बताते हैं कि मोल्टर्स मिलेगा कैसे गाइस। तो जैसे कि नॉर्मल पोकेमॉन्स होते हैं गाइस, ये उनकी तरह नहीं है, ये लेजेंडरी पोकेमॉन है गाइस। तो ये हमको ऐसे ही कहीं पर नहीं मिलेगा गाइस। इसका जो मेन सोर्स है गाइस वो है गाइस, ये मिलेगा आपको लेजेंडरी एग रेड्स में। तो लेजेंडरी एग रेड्स क्या होती है गाइस, 5 लेवल की जो आपकी रेड होती है गाइस उसमें मिलेगा गाइस। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इस वीडियो बनाते टाइम कि ये आने वाला है गाइस, बहुत जल्दी रेड्स में आने वाला है। और जैसे कि अपडेट आया था तो अपडेट के हिसाब से बोला गया है कि मतलब 2 अक्टूबर 1 PM पे ये आ जाएगा गाइस। तो गाइस ये 1 PM 2 अक्टूबर जो है ये अपने इंडिया के हिसाब से नहीं है गाइस, तो इंडिया के हिसाब से नहीं, तो मतलब समझ लेना कि 3 अक्टूबर तक ये मिल जाएगा आप लोगों को। और क्या सोर्स है मोल्टर्स के गाइस, और सोर्स बताता हूँ गाइस आपको क्या है। और सोर्स गाइस ये है कि आपको ये रिसर्च में मिल सकता है, मतलब अभी तक कई बार मोल्टर्स रिसर्च में मिल चुका है गाइस, और ये रिवॉर्ड्स में मिल चुका है गाइस। तो मुझे भी रिवॉर्ड में मिला है एक बार, मेरे पास एक ही मोल्टर्स है वो भी मुझे रिवॉर्ड में मिला है, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं कि हम लोग इसकी परफेक्ट टाइपिस क्या हो सकती है गाइस। अगर ये 1870 CP का मिलता है गाइस तो ये परफेक्ट टाइपी कहलाएगी। 1870 CP इज परफेक्ट टाइपी गाइस। और सनी वेदर, विंडी वेदर, मतलब जब सूरज होगा पूरा, मतलब कदर सनी होगा, तो गाइस फायर टाइप पोकेमोन है तो समझ जाओ। और दूसरा है विंडी वेदर गाइस, ठीक है। और भैया इसमें 2 या 3 लोग चाहिए इसको हराने के लिए गाइस, तो हम लोग कोशिश करेंगे डुओ में हराने की गाइस बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने बता दिया कि कैसे ये मिल सकता है आपको। अब बताते हैं गाइस कि ये मतलब कौन सी लीग के लिए बेटर है गाइस। अगर मैं ग्रेट लीग की बात करूँ और इसकी मैं रैंकिंग चेक करूँ तो गाइस चाहे शेडो हो चाहे नॉर्मल फॉर्म का हो मोल्टर्स, दोनों ही दोनों गाइस 250 प्लस रैंकिंग पे हैं गाइस। तो ग्रेट लीग में तो इसको यूज़ करना इतना अच्छा नहीं है गाइस। अल्ट्रा लीग में गाइस अगर हम इसकी बात करें तो अल्ट्रा लीग की रैंकिंग थोड़ी अच्छी है गाइस, 68 प्लस रैंकिंग है गाइस। और मास्टर लीग अब बचा गाइस, तो मास्टर लीग में देखते हैं कुछ बढ़िया होना चाहिए। तो मास्टर लीग मतलब देखा जाए तो सबसे बेस्ट इसके लिए मास्टर लीग रही गाइस, वहाँ पर इसकी रैंक 52 है गाइस, ठीक है। शेडो की है 75। तो भैया अगर आपको ये मिल जाता है गाइस, ठीक है, मिलने मतलब सबसे पहले अगर रेड में आ गया तो इसका इनकाउंटर कैसे करेंगे गाइस। तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा इसके वीकनेस के बारे में बोल देता हूँ गाइस, तो थोड़ा डाउट क्लियर होगा कि क्या मतलब क्या करना है कैसे करना है। तो इसकी जो वीकनेस है गाइस बहुत सिंपल सी है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप से बना हुआ है। प्राइमरी टाइप है इसका फायर टाइप, और सेकेंडरी टाइप है इसका फ्लाइंग टाइप, ठीक है। तो अगर हम लोग सेपरेटली अगर हम लोग फायर टाइप को लेते हैं तो फायर टाइप की वीकनेस वाटर होती है गाइस, तो हम लोग यहाँ पर वाटर को कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर हम लोग सोच रहे हैं कि इसको हराना है, अगर ये रेड में आ गया है और हमारे पास ट्रेनर कम है और 2-3 लोग हैं तो इसको हराना है गाइस, तो सबसे बेस्ट रहेगा गाइस रॉक टाइप। क्योंकि रॉक टाइप जो वीकनेस है गाइस वो फ्लाइंग टाइप की तो मतलब है ही है, साथ में फायर टाइप के लिए भी रॉक टाइप कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है गाइस। तो रॉक टाइप में इसकी 2.56 मल्टीपल में वीकनेस है गाइस, मतलब लगभग 2.5 गुना वीकनेस है गाइस। वहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला टाइप भी ठीक ठाक है बट रॉक टाइप इज़ बेस्ट। तो बात करते हैं इसके इनकाउंटर के बारे में गाइस। तो अभी अपन पोकेमोन ही दिखा देते हैं भाई।
वो सारे पोकेमोन जो रॉक थ्रो कर सकते हैं वो इसके लिए बेस्ट रहेंगे गाइस। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर तो गोलम लेते हैं गाइस, गोलम तो गोलम भैया रॉक थ्रो कर रहा है और स्टोन एज परफेक्ट है गाइस, बहुत बढ़िया है गाइस। ठीक है, अगर आप 6 के 6 गोलम लेके जा रहे हो ना भैया, हरा दोगे इसको, 3 लोग मिलके इजीली हरा दोगे अगर आपका लेवल अच्छा है तो। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है, लेवल 35 से ऊपर है, 38-39 है, मेरे इतना है, तो 2 बंदे मिलके हरा सकते हैं गाइस। तो आप क्या दोनों गोलम ले सकते हो गाइस, दोनों के दोनों गोलम बढ़िया हैं गाइस। ठीक है, मतलब दोनों मतलब क्या होता है, गोलम 2 टाइप के हैं मेरे पास, एक तो ये वाला है, तो ये वाला गोलम भी ठीक ठाक है, ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक अटैक है, इलेक्ट्रिक अटैक ठीक रहते हैं बट इतना अच्छा नहीं है गाइस। ठीक है, तो गोलम हो गया। उसके बाद अगर आपके पास सीधे रॉक टाइप भी लिख देते हैं, इतना क्या दिमाग लगा रहा है, तो सीधे रॉक टाइप पे आते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, ये सारे पोकेमोन, ये सारे के सारे इसको मतलब निपटा सकते हैं। इनमें से कुछ पोकेमोन हैं जिनको मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि ट्राइनेटर को यूज़ नहीं कर सकता गाइस, ये बेस्ट रहेगा बट लेगेसी अटैक नहीं है, वी आर मिसिंग विद लेगेसी अटैक्स। तो स्मैकडाउन और स्टोन एज चाहिए, वो मेरे पास नहीं है यहाँ पर। वहाँ पर हम लोग गीगालिथ ले सकते हैं गाइस, गीगालिथ हमारे पास काफ़ी अच्छा है गाइस, गीगालिथ के लिए हमारे पास स्मैकडाउन है गाइस, स्मैकडाउन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिपीरियर यूज़ कर सकता हूँ गाइस, स्टोन एज है, बट स्लैप की जगह पर मैं लगा दूँगा कोई बढ़िया पोकेमोन लगा दूँगा गाइस। सो गाइस, अगर ऐसा वेदर हो जैसे कि मतलब पार्शली क्लाउडेड वेदर हो गाइस, तो वहाँ पर हम लोग और इसको ईजिली हरा सकते हैं गाइस, क्योंकि जब थोड़ा सा मतलब यू नो रॉक टाइप उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं गाइस। अगर आपके पास एंशिएंट पावर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट करेगी बट एंशिएंट पावर का डैमेज कम है। तो बेस्ट इनकाउंटर में गाइस अपना गोलम आ रहा है गाइस, आप अपने गोलम लेके जाइए, सारे के सारे गोलम भर के ले जाइए। अगर मैं गोलम लेके जाता हूँ गाइस, मेरे पास 2 ही गोलम है यार, गोलम में ये देखिए गाइस, 2 गोलम है गाइस, ये भी रॉक थ्रो मारेगा, तुम भैया रॉक थ्रो नहीं मारोगे ना, तो ये भी गाइस मैं इन्हीं को लेके जाऊँगा और काफ़ी अच्छा वर्क करेगा गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं कि चलो सपोज हमने मोल्ट्रेस पकड़ लिया, और गाइस ध्यान रखना कि सनी वेदर में रेड लड़ना, सनी वेदर में मज़ा आ जाएगा गाइस, शाइनी भी मिलने के चांसेस, शाइनी बहुत शानदार है गाइस, मेरे पास तो शाइनी नहीं है बट देखते हैं। तो बात करते हैं गाइस इसकी वीकनेस के बारे में, तो बता दिया गाइस वीकनेस इसकी रॉक, इलेक्ट्रिक और वाटर टाइप, तो इनको यूज़ कर सकते हो गाइस, ज़्यादा मतलब वो नहीं बट यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास क्योगरी है तो क्योगरी को भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योगरी का वाटर फॉल और हाइड्रो पंप काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, और जो भी पोकेमोन जो रॉक थ्रो और रॉक स्टोन एज कर सकते हो उनको लेके जा सकते हो आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेजिस्टेंस की गाइस, तो ये पोकेमोन गाइस काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, इन टॉपिक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको मास्टर लीग में यूज़ कर रहे हैं, तो मास्टर लीग में क्यों यूज़ कर रहे हैं गाइस, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी अच्छी है गाइस, इसकी रेजिस्टिविटी है ग्रास, बग, स्टील, ग्राउंड, फायर, फाइटिंग और फेरी टाइप। सो गाइस ये सब लेके आ रहा है, तो मतलब क्या ही कर सकते हो, है ना, तो ये ग्रास व्रास ये सब मतलब एक बार हम लपेट में ले गए। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं गाइस इसको, अगर हम लोग मास्टर लीग में खेलेंगे, तो मास्टर लीग में हमारे सामने चुनौतियाँ क्या होंगी, चुनौती बोल रहा हूँ गाइस, कुछ गलत मत सुन लेना। तो सबसे पहले गाइस ये डियाल्गा को ख़त्म कर सकता है गाइस, मेल मेटल को कर सकता है बट उसका स्टोन एज बहुत जल्दी आता है, रॉक स्लाइड बहुत जल्दी आता है। टोकिस हो गया, ग्राउंड टोन हो गया, म्यूटू हो गया, मेटाग्रोस तो मतलब कर ही देगा यार, तो ये हो गया भैया। अब सपोज गाइस आपने इसको कैच कर लिया, वेदर बूस्ट में भी कर लिया और अच्छी आईवी का मिल भी गया गाइस, तो अगर आपको इसको पावर अप करना तो कैसे करोगे गाइस, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है रेयर कैंडीज। तो रेयर कैंडीज का क्या करोगे गाइस, रेयर कैंडीज आपको मिलती है रेड्स में से, बहुत सारे सोर्स हैं गाइस, तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है और ये लाइन में हर वीडियो में बोलता हूँ, और अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा, वो ज़रूर चेक कर लेना, रेयर कैंडीज के सोर्स के बारे में बता रखा है, कुछ डाउट भी क्लियर कर रखे हैं मैंने उसमें, तो वो आप ज़रूर देखना गाइस। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मोल्ट्रेस की, तो अपने पास जो पहले वो दिखा देते हैं गाइस, तो गाइस अपने पास जो है ये तो मतलब विंग अटैक है अपने पास और फ्रस्ट्रेशन है गाइस, तो ये इसको मैं वो करने वाला नहीं हूँ गाइस, क्या कहते हैं, मैं इसको प्यूरीफाई करने वाला नहीं हूँ, इसको मैं ऐसे शेडो फॉर्म में रखूँगा, कभी इन फ्यूचर जब अपना
इवेंट होगा तो मैं इसके अटैक्स चेंज कर दूंगा गाइस। तो बेस्ट मूव सेट क्या होंगे, व्हाट आर द बेस्ट मूव सेट ऑफ द मोल्ट्रेस? तो बहुत सिंपल है गाइस, बेस्ट मूव सेट के बारे में अगर हम बात करें तो वो अपना होगा गाइस फायर स्पिन। अगर हम लोग फास्ट अटैक की बात करें तो फायर स्पिन सबसे ज़्यादा यूज करने वाला अटैक है और ये बेस्ट भी है गाइस। वहीं पर आते हैं भाई इसके चार्ज अटैक्स में गाइस। तो चार्ज अटैक में गाइस क्या है कि वो थोड़ा लेगेसी के ऊपर आ जाता है गाइस। तो जो पहला चार्ज मूव होना चाहिए वो होना चाहिए स्काई अटैक। स्काई अटैक गाइस लेगेसी मूव है जो कि हमें इजीली नहीं अवेलेबल होगा, किस्मत से मिल जाए तो मिल जाए, वैसे नहीं होगा गाइस। तो अगर आपके पास स्काई अटैक नहीं है तो उसकी जगह पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओवरहीट। ओवरहीट मिल जाएगा गाइस। और स्काई अटैक के लिए आपको एलाइट चार्ज टीम यूज़ करना पड़ सकता है। और अगर आपको एलाइट चार्ज टीम के बारे में नॉलेज लेनी है तो उसके लिए भी आप आई बटन चेक कर लेना, कहाँ यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ है उसका, वो सब मैंने मतलब टीएम्स कवर कर रखे हैं। टीएम्स के बारे में आपको नहीं नॉलेज है तो आई बटन चेक कर लेना गाइस। सो गाइस ये लेजेंडरी पोकेमॉन है, बहुत बढ़िया पोकेमॉन है गाइस, आने वाला है रेड में जल्दी। तो गाइस फटाफट से मतलब रेडी हो जाओ पकड़ने के लिए। और मेरे ख्याल से सब कुछ लोगों ने कवर कर लिया है इसको। इसका मतलब सुनने में आया कैचिंग रेट थोड़ा कम है गाइस, इसका कैप्चरिंग रेट जो है वो 3% ही है गाइस, जो कि मतलब काफ़ी कम है। तो गोल्डन रास्पबेरी सबसे बेस्ट रहेगी पकड़ने के लिए गाइस। और एक्सेलेंट थ्रो की तो बात ही अलग है, बट कुछ खास फर्क नहीं है, जो लगे लगाओ गाइस। बाकी हम लोग जल्दी से पकड़ के आपको करेंगे गाइस। और ट्रेड भी कर सकते हो, अगर ट्रेड करना है किसी को तो आप लोग ट्रेड करके भी मोल्ट्रेस ले सकते हो गाइस। तो मेरी यही उम्मीद रही गाइस, जितना हो सके उतना मोल्ट्रेस पकड़ो ताकि इन फ्यूचर जनरेशन जो पोकेमॉन को में आने वाली है उनको हम लोग ट्रेड के ही थ्रू हेल्प करके दे सकें गाइस। सो गाइस इस वीडियो में इतनी ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, तुम लोग करते नहीं हो, कर दो गाइस। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।